नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। मेरा नाम है सौरभ देवनाथ। दोस्तों ये वीडियो है 58, इसका मतलब हम पूरे के पूरे 570 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। दोस्तों जैसा कि पता है आपको, वीडियो होता है बायलिंगुअल, इसका मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपके क्वेश्चंस रहेंगे। वीडियो के एंड में होगा आपके लिए होमवर्क, आपको उस होमवर्क को करना है और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में डालना है। अच्छा, आज की सबसे बड़ी न्यूज़ ये है, अगर आपको नहीं पता है तो आपको बता दूं, हमारे इंडियन रेलवे के जो चेयरमैन हैं विनोद सर, यादव सर जो हैं, उन्होंने जो है एक बहुत बड़ा बयान दिया है एनटीपीसी एग्ज़ाम को लेते हुए। आप गूगल करिएगा, आपको न्यूज़ पता चल जाएगा। और आपको बता दूं, उन्होंने एक सेंटेंस में आपको बता देता हूँ, बोला बहुत जल्द होने वाला है और स्पीड जो है किस चीज़ का, ये रिक्रूटमेंट का, वो बहुत जल्दी स्पीड में होएगा, है ना। तो ये कहा है, तो इसका मतलब आप मान लीजिए 3 से 4 महीने के अंदर आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। इसका मतलब आपके पास सिर्फ 90 दिन है, अगर मैं मोटा मोटा लूँ, ठीक है। तो इस हिसाब से अपनी तैयारी तेज़ रखिएगा। तो मैं जो वीडियो करा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे साथ बने रहिए, बहुत सारे ट्रिक सिखाता हूँ। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा, अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है, दो बिंदुओं ए और बी की बीच की दूरी 5.5 घंटे में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कवर हो जाती है। अच्छा, इतने घंटे में कितनी स्पीड से, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर हो जाती है। यदि 5 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि की जाए गति में, है ना, तो कितना समय बचेगा। तो सबसे पहले मैं डिस्टेंस निकाल लेता हूँ, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। 5.5 घंटा है और किलोमीटर स्पीड कितना है, 50 किलोमीटर पर आवर, तो कितना हो गया, 275 किलोमीटर हो गया। मतलब 275 किलोमीटर अब जाना है और कितने स्पीड में जाना है, 5 किलोमीटर और बढ़ गया, मतलब 50 से कितना हो गया, 55 हो गया, 55 कर देता हूँ। तो कितना हो जाएगा ये, 5 घंटा हो जाएगा, 5 आवर्स। पहले लग रहा था 5.5 आवर्स, मतलब 5 घंटे 30 मिनट, और अब लग रहा है 5 घंटे, तो डिफरेंस कितना है, 30 मिनट्स का डिफरेंस है, 30 मिनट्स। तो ऑप्शन नंबर डी ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, एक पैटर्न क्वेश्चन बोलते हैं। इफ x इज इक्वल टू 7 - 4√3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, बोल रहा है x प्लस 1/√x, इसकी वैल्यू निकालो, √x प्लस 1/√x, ठीक है। देख लेते हैं कैसे निकालते हैं। सबसे ये x की वैल्यू है, तो अगर x की वैल्यू है 7 - 4√3, तो इसका अंडर रूट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, लगा दिया। अच्छा, एक पैटर्न होता है, पैटर्न यहां लिखता हूं, a - √b, ये एक पैटर्न होता है, अंडर रूट होल का अंडर रूट a - 2√b, ठीक है, ये एक पैटर्न होता है। चलिए इस पैटर्न में यहाँ क्या है, बाहर 2 है, हमेशा याद रखिएगा बाहर 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है, 4 है, तो 2 अंदर डाल देता हूँ, 2 अंदर डालूंगा तो अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो 4 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या बनेगा ये, 7 - यहाँ 2 और यहाँ क्या हो जाएगा, 4 में, तो 3 और 4 3 × 4 12, 12 हो गया। अब देखिए इसको मुझे दो भाग में बांटना है, किसमें, दो भाग में, मतलब एक आएगा, मतलब दो ऐसे भाग में बांटना है जिससे उन दोनों का मल्टीप्लाई करूं तो 12 आ जाए और उन दोनों को जोड़ूं तो 7 आ जाए। तो वो क्या क्या होंगे, 4 और 3 होंगे, 4 × 3 = 12 और 4 + 3 = 7, तो ये क्या हो जाएगा, √4 और √3, समझ में आया। अब सिंस माइनस है तो बड़े वाले को पहले लिखूंगा और -√3, ये इसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स हो जाएंगे, समझ में आया, ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब क्या बोल रहा है, अब मुझे तो पता चल गया ये √x की वैल्यू है, ये क्या है, √x की वैल्यू है, राइट। अब यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो √4 - √3 + 1/√4 - √3, ठीक है, समझ में आया। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन कर लेते हैं, तो यहाँ से मुझे मल्टीप्लाई कर दूंगा √3 से और यहाँ पे कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ऊपर √4 + √3 और नीचे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 4 - 3 हो जाएगा, तो 1 हटा देते, 1 नहीं लिखते, छोड़िए। तो यहाँ 3 से गया, 3 से ये गया, तो 2 + 2 कितना हो गया, 4, समझ में आया, ऑप्शन नंबर सी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें मैं कॉमन सेंस यूज करवाऊंगा। देखिएगा, बोल रहा है एक तार आयत के आकार में, ठीक है, किसके आकार में है, आयत के आकार में। चलिए ये तार है आयत के आकार में, और बोल रहा है इसकी लंबाई कितनी है 42.7 और चौड़ाई कितनी है 21.8, ठीक है। अच्छा, यदि इस तार को एक वर्ग के आकार में कर दिया, मतलब क्या स्क्वायर के आकार में, तो चारों साइड तो एक हो जाएंगे, एक ही जैसे हो जाएंगे, तो वर्ग के पक्ष का मान बता दे, एक साइड का जो है बताइए कितना लेंथ होगा, यहां से लेके यहां तक एक साइड इसका कितने का होगा। अब देखिए ये तो बहुत कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, ठीक है, कि इनको जोड़ूंगा और इसको मतलब यहाँ 42.7 है तो यहाँ भी 42.7 हो जाएगा और यहाँ भी 21.8 हो जाएगा, फिर जोड़ के डिवाइडेड बाय 4 कर दूंगा। लेकिन मैंने इसलिए इस क्वेश्चन को नहीं डाला, इसमें एक इंटेलिजेंस जो है दिमाग का वो उसके लिए डाला। देखिए 7 और 8 जोड़ूंगा तो 7 और 8 क्या होता है 15, 15 मतलब आखिरी में 0.5 आएगा। अच्छा, अब 0.5 चार भाग में डिवाइड करना, तो 0.5 का आधा कितना होता है 0.25, इसका आधा कितना होता है 1.25, है ना। तो जब मैं इसको चार भाग में डिवाइड करूंगा जिसके आखिरी में 0.125 आएगा, वही आंसर होगा। इसमें कौन सा है, सिर्फ ऑप्शन ए है, तो इसका मतलब यही आंसर हो जाएगा। बिलीव ना हो तो ये कर लीजिएगा, और ये क्या 42.7, ठीक है, इन दोनों को जोड़िएगा डिवाइडेड बाय 4 करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 16.125। समझ में आया। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। इस तरीके से आपको यूनिट डिजिट के साथ खेलना है, तभी आप जल्दी से जल्दी एग्जाम को कंप्लीट कर पाएंगे। देख लेते हैं, बोल रहा है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है जो 12, 24, 48, 60 और 96 से बिल्कुल विभाजित है। चलिए बहुत बढ़िया, एलसीएम का क्वेश्चन है, तो 12, 24, 48, 60 और 96, इसका क्या करना है मुझे, एलसीएम निकालना है। एक तरीका तो ये है इधर पैसा करके, लेकिन हम ये करेंगे नहीं, हम क्या करेंगे सबसे बड़ा वाला नंबर लेंगे, देखेंगे क्या 12 जो है इसके अंदर फिट होता है, बिल्कुल फिट होता है, 12 इंटू 8 होता है 96, 24 होता है बिल्कुल होता है, 24 इंटू 4 होता है 96, 48 होता है बिल्कुल होता है, 48 इंटू 2 96, मतलब इन सब का तो एलसीएम 96 हो गया, लेकिन 60 होता है क्या, 60 होता है क्या, 60 में क्या होता है, 60 में 12 इंटू 5 और ये क्या होता है 12 इंटू 8, लेकिन 12 तो हो गया, 12 तो फिट हो गया, लेकिन 5 फिट नहीं हुआ, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आपका एलसीएम निकल के आ जाएगा। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, ये 40 और ये 48, मतलब 480। तो जो है वो जो छोटा सा 5 डिजिट का नंबर क्या होता है, छोटे से छोटा 5 डिजिट का नंबर होता है ये 10,000। अब 10,000 को क्या करूंगा 480 से भाग दूंगा, तो जैसे ही दूंगा यहाँ क्या आ जाएगा 2 सा, तो ये आ जाएगा 960, तो यहाँ आ जाएगा 400। अब मुझे क्या करना पड़ता है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है कितने का है 80, यही 80 जो है यहाँ मुझे जोड़ना पड़ेगा किसके साथ, यही 400 को मुझे जोड़ना पड़ेगा 10,000 के साथ, तो ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया, ये होता तरीका। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है फाइंड द फैक्टर्स ऑफ, इस समीकरण का कर्कों के बारे में पता करना है, ठीक है, फैक्टर्स पता करने, तो ये देखिए एक मिनट, ये जो है एक सेकंड, ये स्क्वायर होगा, इसको मैं स्क्वायर बना देता हूं, ठीक है, ये मिट गया है, पेन को ब्लैक कर देता हूँ, ये क्या होगा, ये स्क्वायर होगा, ठीक है। अब देखिए 2 का स्क्वायर, ये तो मैं मिडिल टर्म स्प्लिट कर दूँ, बीच वाले को मिडिल टर्म स्प्लिट कर दूँ, चलिए देख लेते कैसे होगा ये, रेड कलर कर दूँ, चलिए तो अब देख लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11x माइनस 132, यही हो जाएगा ना, इन दोनों का जब 12 इंटू 11 करूंगा 132 आना चाहिए, और जब मैं ये करूंगा तो यहाँ पे माइनस 6 आना चाहिए, तो ये क्या हो गया, तो ये देखिए ये हो गया माइनस 6, चलिए डिवाइडेड बाय माइनस 12 एक तरफ हो गया और 11x माइनस 132 एक तरफ हो गया, इससे कॉमन ले लेता हूँ x, तो बचेगा x माइनस 12, और यहाँ से क्या ले लेता हूँ 11 कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस 12, तो क्या बन गया फैक्टर्स x प्लस 11, है ना, x प्लस 11 और x माइनस 12, तो कौन सा ऑप्शन में है ये, इसमें तो नहीं है, फर्स्ट वाले में नहीं, सेकंड वाले में नहीं है, थर्ड वाले में नहीं, डी ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, ये सोचिएगा, ये दिमाग वाला क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ द टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 399, फाइंड द लोअर वन, बोला लगातार दो विषम संख्याओं का गुणनफल क्या होगा
399 होगा, उसमें से निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। अच्छा, सबसे पहले जो बच्चे ट्रेडिशनल वे कन्वेंशनल वे से करना चाहेंगे वो क्या बोलेंगे, सपोज मैंने ले लिया एक्स, तो दूसरा वाला मतलब नेक्स्ट जो ऑड नंबर होगा वो क्या होगा, एक्स प्लस टू, और इन दोनों का ही मल्टीप्लाई दिया हुआ है क्या, इन दोनों का ही मल्टीप्लाई दिया हुआ है 399, छोटा वाला पूछ रहा मतलब एक्स की वैल्यू, तो लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स इंटू 399, अब फिर एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगा क्या 19, तो बड़ा वाला छोटा वाला 19 आ जाएगा और बड़ा वाला क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा, जब इसको मल्टीप्लाई करके दूंगा 399। लेकिन इतना समय तो नहीं है मेरे पास, इतना समय तो नहीं है मेरे पास, आप देखिए कॉमन सेंस कैसे यूज करना है, कॉमन सेंस में क्या यूज करना है आपको देखिएगा, ध्यान से बिल्कुल देखिएगा, मुझे आखिरी में लाना है क्या 9, मुझे आखिरी में क्या लाना है 9, कैसे बन सकता है 3 × 3 से बन सकता है, 7 × 7 से बन सकता है, 7 × 7 = 49, 9 और ये 9, और 9 × 1 से बन सकता है ना, 9 × 1 से। अब मुझे बताइए अगर 9 × 1 से मुझे ये लाना है और मुझे पता है 19 का स्क्वायर क्या होता है 361, मतलब ये आपको पता है 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे सोचने में, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1, इसका मतलब एक तो मेरा आ गया, ये जो एक है एक आ गया, अब मुझे 9 का जुगाड़ करना है, क्या करना है मुझे क्या बोलते हैं इसका जो है 19 से ज्यादा आ रहा है, मतलब ठीक है, इसका मतलब 19 से मैं क्या मल्टीप्लाई करूं, यहाँ पे क्या करूं कि 9 आ जाए यूनिट में, मुझे ऑब्वियसली 1 ही करना पड़ेगा ना, तो वो आ जाएगा क्या 399, समझ में आया, तो यहाँ क्या आना चाहिए था 21, इसका मतलब छोटा वाला क्या आना चाहिए था 19, समझ में आया किस तरीके से आपको दिमाग लगाना। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये है आपका DI का क्वेश्चन, ठीक है, चलिए बोल रहा है द टोटल मार्क्स वर 3000 नंबर है, अगर बोल रहा है मैथमेटिक्स में कितना होगा, मैथमेटिक्स में क्या है 90 है, ये मैथमेटिक्स है, ये मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स का कितना है 90 है, 360 में से 90, 360 में से 90 क्या होता है 1/4, 1/4 किसका हो जाएगा 3000 का हो जाएगा, 3000 का 1/4 कितना होता है 750, ऑप्शन नंबर बी, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, देख लेते हैं, ये पिछली बार NTPC 2016 में पूछा गया था, और cos थीटा प्लस साइन थीटा इजिकल टू एम है, और sec थीटा प्लस cosec थीटा इजिकल टू एन है, पूछ रहे एम प्लस एन, चलिए इक्वेशन को बना लेते हैं, m डिवाइडेड बाई n, तो लिख लेता हूँ cos थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है, लिख दिया cos थीटा प्लस साइन थीटा, और ये हो गया m, और n बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा sec थीटा प्लस cosec थीटा, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व किया जाए, तो sec थीटा मतलब क्या होता है साइन cos tan cosec sec, मतलब 1/cos, तो 1 ये लिख लेता हूँ पहले, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, ठीक है, अच्छा, और cosec थीटा मतलब साइन cos tan cosec sec, ठीक है, साइन cos tan cosec sec cot, तो 1/sin है ना, 1/sin थीटा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ cos थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, और डिवाइडेड में मैं लिख सकता हूँ cos थीटा इंटू साइन थीटा, और यहाँ पे जब मैं लूंगा तो ये जाएगा क्या साइन थीटा प्लस cos थीटा, राइट, साइन थीटा प्लस cos थीटा, ये तो ये क्या, लेकिन ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा cos थीटा इंटू वॉट साइन थीटा, ठीक है ऑप्शन ये साइन थीटा इंटू cos थीटा या cos थीटा इंटू साइन थीटा, बात बराबर है, ऑप्शन नंबर बी, समझ में आ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बोल रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 चेयर इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ द 20 चेयर, 25 कुर्सियों की कीमत जो है 20 कुर्सियों की बिक्री मूल्य के बराबर है, अच्छा तो 25 किसके बराबर, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू क्या है 20 बेचने के ऊपर है, तो सेल प्राइस, यही बोल रहा है, इन दोनों को क्या किया है इक्वल कर दिया, अरे यही किया है ना, तो चलिए इज इक्वल टू को रेशियो में कन्वर्ट कर लेता हूँ, रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए क्या डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1/25 और रेशियो में क्या जाएगा 1/20, यही होता है ना, जब हम इज इक्वल टू को रेशियो में कन्वर्ट करते हैं तो 1/ ये करना पड़ता है, और अगर वो करना पड़ता है रेशियो को इसमें तो वही 1/ वो करना पड़ेगा, तो ये 25 ऊपर पहुंच जाता है, समझ में आया, तो ये क्या हो जाएगा 20 इधर आ जाएगा 25 इधर चला जाएगा, तो 20:25, तो ये कितना हो जाएगा 4:5, कितने की बढ़ोतरी हुई, एक की बढ़ोतरी हुई, किस पे हुई 5 पे हुई, तो इंटू 100 कर देता हूँ, तो कितना हुआ ये 25% प्रॉफिट हमारा हो गया, तो लाभ परसेंटेज क्या हो गया प्रॉफिट परसेंटेज 25%, समझ में आ गया। आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, बोल रहा है देखिएगा कितने प्यारे तरीके से इस क्वेश्चन को कराऊंगा, कोई भी फॉर्मूले की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ मैं कॉमन सेंस यूज करवाऊंगा, देखिए फाइंड द कॉम्पाउंड इंटरेस्ट, इंग्लिश में क्वेश्चन है, पैनिक मत होइएगा, ठीक है, समझिए जिसको भी प्रॉब्लम हो रही है इंग्लिश भी समझिए,
फाइंड दी कंपाउंड इंटरेस्ट टू द नियरेस्ट रुपीज ऑफ 7,500 फॉर 2 ईयर्स और 4 मंथ। कितने परसेंट पे? 12% पे। देखिए 7,500 रुपए थे, ठीक है। क्या करना है? 2 साल 4 महीने। एक काम करता हूं मैं, यहां इसको मैं क्या करता हूं, 3 साल कर दूंगा, और मतलब 1 साल और बढ़ा देता हूं, लेकिन 4 महीने। देखिए साल होता है कितने का? 12 महीने का। अच्छा 4 महीने जाना है तो मतलब मैं जो आखिरी वाला साल होगा उसका 1/3 कर दूंगा, ठीक है। तो देखते इसका 12% ही क्या, किसका कैसे, कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो पहले साल में तो 12% ही कटेगा, तो 75 का 12% कितना होता है? 750 और 150, मतलब 80 और 900, ये 900 हो गया। अरे हो गया ना ये 900, ठीक है। पहले साल 900 हुआ, दूसरे साल का भी इसी का 900 होगा, और तीसरे साल भी 900 होगा। लेकिन तीसरे साल क्यों ले रहा हूँ? तीसरा साल मैं इसका क्या करूँगा, 1/4, 1/3 कर दूंगा मैं, लेकिन वो बाद में करूँगा, समझिएगा, ठीक है। पहले मैं ही सिंपल तरीके से कर लेता हूँ, फिर इसका दूसरे साल में भी मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि ये है कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। तो इसमें इसका 12% कितना होता है? 108, ठीक है। और इसका भी, और इसका इस तरफ भी आएगा, है ना, तो 108, है ना। अब इसका भी इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 108 हो जाएगा ना। अब तीसरे साल में इसका भी मुझे 12% करना पड़ेगा, तो इसका 12% कितना होता है? 12.96। लेकिन यहाँ पे बोला है क्या, नियरेस्ट पूछा है ना, नियरेस्ट पूछा है, तो उसमें नहीं लेते हैं हम, क्या कर लेते हैं 12.9 को, क्या करते हैं 12.96 होगा, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं 13 लिख देता हूँ, ठीक है। इसको क्या लिख देता हूँ मैं? 13 लिख दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसको इतने पूरे को मल्टीप्लाई बाय 1/3 कर दूंगा। क्यों? क्योंकि ये तो 4 मंथ का पूछा था, मैंने तो पूरे साल का निकाल लिया। समझ में आ रहा है ना? देखिए अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है, इस क्वेश्चन को 4 बार 5 बार देखिए। आप हो सकता है शायद पहली बार इस तरीके से कर रहे हो, तो आपके लिए डिफिकल्टी आएगी, नई चीज है, लेकिन सबसे शॉर्टेस्ट वे है, दिमाग में रखिएगा, ठीक है। अरे 10 से 15 सेकंड में हो जाता है ये, ठीक है। अब इसको जब 1/3 करूंगा तो यहाँ पे कुछ कुछ वैल्यू आएगी, और उसमें क्या करूंगा मैं, उसमें ये 900 और 900 कितना, 1800 और ये और जोड़ दूंगा, ठीक है। तो ये और जोड़ दूंगा तो मेरा टोटल कितना आ जाएगा, टोटल आपका आ जाएगा 2284, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया? कितने बेहतरीन तरीके से, इजी तरीके से सॉल्व किया। चलिए आज का होमवर्क देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होमवर्क का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। ध्यान से होमवर्क करिएगा, कमेंट जो है अपना जरूर करिएगा आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, वीडियो समझ में आया तो जरूर से जरूर लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ। अगर आपको ये इजी लग रहे हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि स्टैंडर्ड लो है, हो सकता है आपकी प्रिपरेशन ज्यादा अच्छी हो, ठीक है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी उम्मीद के साथ कि आपको वीडियो अच्छा लगा है। आपसे अलविदा लेता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।